आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। बलरामपुर वन पाल परिवार सहित बैठा वन मंडल कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर कहा, मेरे बातों पर विचार नहीं होने पर आत्मदाह करने को विवश हूं मैं। बलरामपुर वन मंडल कार्यालय के सामने परिवार सहित बैठा वनपाल अनिल टोप्पो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, मुझे प्रताड़ित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं वन विभाग के आला अधिकारी और कर्मचारी। पूर्व में भी मेरे फर्जी हस्ताक्षर कर करोड़ों के कार्यों कर चुके हैं। राशि आहरण और मामले को दबाने के लिए मेरी एक वर्ष में 8 बार ट्रांसफर कर चुके हैं, जिससे मैं बहुत ही प्रताड़ित हो चुका हूं। और कोरोना काल में 2 बार कोरोना पीड़ित होने पर भी तनख्वाह आज तक नहीं भुगतान हो पाया है। तनख्वाह के लिए मैं DFO कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूं। मेरे परिवार का भरण पोषण तनख्वाह नहीं मिलने के कारण नहीं हो पा रहा है। मेरी स्थिति बहुत दयनीय है, जिससे मैं थक कर आज DFO कार्यालय के सामने सह परिवार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा हूं। अगर समय रहते मेरी मांगों की ओर मेरी बातों को नहीं सुना गया तो मैं कार्यालय के सामने ही आत्मदाह करने के लिए विवश हूं। छत्तीसगढ़ जानकी नवागढ़ से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। मेरा शुभ नाम है, मैं वनपाल पर पदस्थ हूँ। मैं वाडम नगर से ट्रांसफ़र होकर 2018 में कुश्मी रेंज में आया था, और कुश्मी रेंज में आने के बाद कुछ दिन के बाद मेरे पास विभाग के काम बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जिसका मैं विभाग के काम में भाउचर पूरे पास हो गए, जिसमें मेरे को दस्तखत करना था, पर मेरा दस्तखत की जगह में वहाँ पर रेंजर साहब दिलीप सिंह मास्कोले, इंद्र कुमार पैंकरा परिक्षेत्र लिपिक और प्रकाश गुप्ता दैनिक वेतन भोगी द्वारा मिल के मेरे सिग्नेचर को और विभाग के अन्य कर्मचारी का सिग्नेचर को करके और करोड़ों रुपया निकाल के मेरे नाम से निकाल के लेबर तक भुगतान नहीं हो पाया, जिसमें लेबर लोग के आवाज़ करने पर मेरे को पूरी बदनामी हुआ। मैंने उनके सवाल पूछा कि मेरा फर्जी हस्ताक्षर क्यों किए हैं आप लोग, तो उन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया, मेरा वर्दी फाड़े, मेरे ऊपर पूरा लात घूसा मारे पीटे पूरा। मैंने उनके ऊपर FIR दर्ज करके एक्रोसिटी तक लगवाया हुआ है। SP कार्यालय अंबिकापुर बलरामपुर में भी मैंने मतलब अपना FIR दर्ज करवाया हुआ है, सूचना दिया हुआ है उसके बाद भी। और जो फर्जरी हस्ताक्षर का जो मेरा वो था, उसमें मैं क्या बोलते हैं कि वो लगाया हूँ सूचना के अधिकार भी, 10 रुपये स्टाम्प में लेके मैं सूचना के अधिकार भी लगाया हूँ, आज तक उसका भी जानकारी प्राप्त है। वर्जी कौन फैला था? हस्ताक्षर इंद्र कुमार पैंकरा और प्रकाश गुप्ता और रेंजर साहब तो मर चुके हैं अभी। वर्दी कौन फैला? वर्दी प्रकाश गुप्ता फाड़े थे। विभाग में दैनिक वेतन भोगी हैं, वो कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य करते हैं। बस मैंने अपना अधिकार के लिए मैं बात किया था कि मेरा फर्जी हस्ताक्षर मत करना, अपना हस्ताक्षर होता है, अपना हस्ताक्षर का अधिकार को मैं दूसरे को नहीं दे सकता हूँ। अब इसी के बीच में पूरे हम विभाग में हम लोग बैठ के सभी कर्मचारी एकता होकर बैठे और बैठ के मीटिंग किए, सभी को एक हस्ताक्षर हुआ है, पर दबाववश सभी कर्मचारी वापस हो गए, मैं प्रताड़ित हुआ। वो आज तक मेरा पूरा मेरे को ट्रांसफ़र 1 वर्ष में 8 बार किया गया है, जिसका आदेश प्रति मैंने खुद रखा हुआ है, और 3 बार मुख्य वन संरक्षक ऊपर से 5 जो बड़े अधिकारी होते हैं, 5-6 जिला के अधिकारी, उनका 3 आदेश को ये स्थापना शाखा के बेक बाबू विनोद बेक के द्वारा दबा दिया गया है। मेरा भुगतान भी कोरोना में 2-2 बार मेरे को कोरोना पकड़ा है, उस कोरोना काल का भुगतान भी आज तक मेरे को 7 महीने के भुगतान को दबा के रखे हुए हैं, और जबकि मैं मेडिकल 1 महीना पहले से बना के जमा कर दिया हूँ। कोरोना काल तक में मेरे को नहीं छोड़ पाए। मेरे पत्नी भी शिक्षक पद में है, और सरकार का नीति बोलता है कि पति पत्नी एक जगह ही मतलब हों, पर ये लोग उनका फॉलो नहीं करते हुए मेरे को 150 किलोमीटर यहाँ से रघुनाथ नगर रेंज में भेजा गया, सभी जगह भेज के मेरे को परेशान कर दिया गया। जबकि मेरे माता जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं, मेरे माता को BP ब्लड प्रेशर हाई होता है, और इनका घुटना प्रॉब्लम से रायपुर रांची कहाँ कहाँ इलाज चल रहा है। अभी हाल ही में मतलब मेरे आदेश को देखते हुए 3 बार हार्ट अटैक हुआ था, जिनको मैं अभी अंबिकापुर में जाके पूरा सोनोग्राफी एक्सरे वगैरह करवा के पूरा 1 महीना का नींद का गोली अभी दिया जा रहा है मेरे माँ को, तब रात में सो पा रही है। और ये लोग मेरे को प्रताड़ित के उद्देश्य से पूरे अधिकारी लोग मिले हुए भगत हैं, और वही सब समस्त चौकीदार लोग जो मिल के आए थे कि हम लोग का पैसा नहीं मिला है, तो 1,28,00,000 रुपया पूरे बलरामपुर जिला के जितना भी रेंजर साहब और यहाँ के DFO साहब मिल के पूरा 2 सीजन 3 सीजन का पैसा, तो 1,28,00,000 रुपया निकाल के लोग गमन कर दिया, और चौकीदार लोग कूदते रहे, हम लोग बदनाम होते रहे, पर आज तक उनका भुगतान नहीं हो पाया, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ के साथ में रखा हुआ हूँ। पूरा कुश्मी रेंज में आज तक 20,00,000 रुपये का भुगतान शेष बाकी है, जो पूरे स्टाफ लोग का पूरा सहमति है। आगे करूँगा सर, मेरा मैं पारिवारिक स्थिति में पूरा जूझ के पूरा परेशान हो गया, हम लोग
लड़ देखे डीएफओ साहब के पास कितने बार, कितने योगेश मिश्रा श्रीवास्तव के पास जा के मैं बोल के देखा कि सर मेरे को रहम कीजिए, सर मैंने ऐसा कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, आप लोग मेरे को। फिर डीएफओ साहब अपने चैम्बर में बुला के बोले, जानते हो तुम मेरा क्या नाम है, लक्ष्मण सिंह, मैं राजपूत हूँ और तुम आदिवासी, तुमसे मेरे से बहस नहीं कर पाओगे, चाहूँगा तो तुमको कहाँ फेंक दूँगा पता नहीं चलेगा। ये सब सारी चीज़ घटना हुआ है जो मैं चैम्बर में अकेला था, हो सकता है मेरे को पिटवा देंगे करके मैं वहाँ से चुपचाप से निकल के भाग गया। फिर ये जितने भी सिपाही मर जाते हैं सर, सिपाही दरोगा अगर मर रहे हैं तो उनके बेटा को अनुकंपा सरकार तरफ से आने के लिए जो सुविधा मुहैया करवाया गया है उसको यहाँ के स्थापना शाखा के बाबू बैक विनोद बैक मिश्रा मैडम, ये लोग 2-2 लाख से 3-3 लाख रुपया ले के पूरा फर्जरी तरीका से उनको मजबूर करके पैसा ले रहे हैं, जिसके मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट्स में रखा हुआ हूँ, पूरा उनका रिकॉर्डिंग से लेकर उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स रखा हुआ हूँ। ऐसा हमारे विभाग में उच्च अधिकारी लोग के सहयोग से चल रहा है, जो कि अपने सामने का पूरा इतना बड़ा गलती को कोई देख नहीं रहा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ साधारण एक परिवार को, 4 परिवार हम लोग जी खा रहे हैं, उसमें किसका नज़र लग गया है, मेरे को इस चीज़ में मेरे को दुखी हुआ है सर। मेरे बात को अगर नहीं माना जाएगा, मेरे नियम का जो बात कर रहा हूँ जिसको फॉलो अगर नहीं किया जाएगा, तो मैं इसी डिवीजन के अंतर्गत मैं पूरा परिवार लेके मैं जिंदा, अगर मेरे पास बजट पैसा ही नहीं रहेगा, मेरा वेतन नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं पर आत्मदाह करके पूरा परिवार सहित हम लोग यहीं पर आत्मदाह देना चाहता हूँ मैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।